बदहाली के शिकारी बेजुबान जानवर जो अब राह देख रहे नोएडा प्राधिकरण की, जिसने इन्हें गोद तो ले लिया लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं समझी। ये मामला है नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित एनिमल शेल्टर होम का। पहले इनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा नोएडा के डीएम ने, उसके बाद ये बीड़ा उठाया नोएडा प्राधिकरण ने, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने भी अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया और अभी शेल्टर होम की नौबत ये आ गई कि धीरे धीरे एक एक कर ये जानवर मौत का शिकार हो रहे हैं और जो जानवर बचे हैं उनकी स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। इसके पीछे जो वजह है वो है प्राधिकरण द्वारा यहाँ के कर्मचारियों की 3 महीने से सैलरी ना देना, जिसके बाद अब यहाँ इन जानवरों की देखभाल करने वाले यहाँ के कर्मचारियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज समस्या ये है कि ना तो लोगों की तनख्वाहें मिली हैं, 3 दिन से आप देख रहे हैं वहाँ पर कि लोग जो है काम करने से मना कर रहे हैं, बिल्कुल जानवरों को खाना नहीं मिला। बड़े जानवर जो हैं, पशु जो हैं, उनके खोर खाली पड़े हुए थे, उनको खाना नहीं मिला। कल रात को हमारे पास 2 गायें आई थी, उनको दवाइयाँ नहीं मिली, उनको ड्रिप नहीं चढ़ी, उनको फ्लूइड नहीं चढ़ा, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर 9 सितंबर के बाद एंटीबायोटिक नहीं आई है, यहाँ पर बैंडेजेस नहीं है, यहाँ पर खाने की समस्या ये है कि अगर हमारे जो स्वयंसेवक लोग हैं वो लोग आकर के यहाँ पे अगर खाना ना दें अपनी तरफ से वॉलंटियर्स, तो हमारे पास खाना देने को नहीं है जानवरों को, दवाइयाँ लगाने को नहीं है। प्राधिकरण कहता है कि अच्छा हम देख रहे हैं अच्छा कल हो जाएगा। पिछले 15 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि 2 महीने की जो सैलरी है वो अब मिल जाएगी, तब मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। थक हार करके कल इन लोगों ने, आज सवेरे इन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग नहीं कर पाएंगे काम, तो हमारे जानवरों की जान पे बनाई है। ऐसे में प्राधिकरण और कर्मचारियों की लड़ाई का नतीजा ये बेजुबान जानवर भुगत रहे हैं, जिन्हें पिछले 3 दिन से ना तो खाना मिला है और ना ही इलाज के लिए दवाएं, और अब इसी कारण ये जानवर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।